लाख युवा को रोजगार देने का वादा किए हैं, वो वादा पूरा कीजिए, क्योंकि मैं उसी लिए मैं आपके साथ हूं। और वादा पूरा नहीं होगा तो फिर उसके बारे में फिर सोचा जाएगा। हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी इस रास्ते पे काम कर रहे हैं, हम भी अपने विभाग में काम कर रहे हैं और उस विभाग पे काम कर रहे हैं। अगर जब तक काम करने का मौका मिलते रहेगा, अंदाजा मिलेगा कि हम लोग अपने विभाग से लाखों युवा को रोजगार दे पाते हैं तो अच्छा होगा। जब जिस रोज एहसास होगा कि हम रोजगार नहीं दे पाते और नहीं दिया जा रहा हमारी सरकार में, उस रोज सोचा जाएगा कि इस युवा के लिए क्या करना है। नहीं नहीं, देखिए, हम तो अकेला चलने वाला व्यक्ति हैं, अकेले जन्म लिए हैं, अकेले संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम तो सामान्य विचारधारा वाले लोग, दो कदम हम चलेंगे, दो कदम आप साथ दीजिए, हम आपको साथ देंगे, आप हमको साथ दीजिए। देश में गठबंधन की राजनीति हो गया तो इस तरीके से चल रहा है, तो जब समय समय की बात होगा, कभी दोस्त बनते हैं कभी दुश्मन बनते हैं। कल तक बीजेपी का हम दोस्त थे, कल उन्होंने हमको बाहर निकाल दिया तो आज हम को वो दुश्मन मान रहे हैं। कल क्या होगा वो मुझे क्या मालूम है। तो वो भी कर ले ना, वो भी कर ले। अभी तो हमारे चुनाव आयोग पे वीआईपी का दिख रहा है और वो अगर इस बात से अगर डरा रहा है तो मैं इससे कहां डरने वाला हूं। कोई पार्टी विधायक के ऊपर नहीं चलता है और कार्यकर्ता के दम पे चलता है, उनके सपोर्टर पे चलता है। तो वीआईपी पार्टी इतना मजबूत विधायक के दम पे नहीं हुआ। विधायक तो हम दम पे मजबूत हो गए तब बना। हम संघर्ष करने के टाइम में हमारे पास कोई विधायक नहीं था, तो संघर्ष करने के टाइम में फिर नहीं रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है। फिर 2004 विधायक बनाया निषाद समाज ने, 2025 में 40 बनाएंगे, हो सकता है तो 130 भी बना सकता है और अपने दम पर निषाद के बेटा को मुख्यमंत्री बना सकता है। थोड़े ऐसा है कि बिहार में निषाद के बेटा में वो काबिलियत नहीं है कि बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। इस बिहार का तो इतिहास है कि जिसको कुछ नहीं पता वो भी मुख्यमंत्री बने हैं। तो हम हमारे समाज में तो बहुत कुछ नॉलेज है, आज हम लोगों ने दुनिया जीतने वाले लोग हैं, तो हम लोग भी बिहार का नेतृत्व करेंगे। तो आने वाले समय में हमारी संघर्ष जारी रहेगा और संघर्ष करते रहेंगे और 24 लोक विधानसभा परिषद का जो विधानसभा विधान परिषद का सीट है उस पर चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। हाँ, तो हमको तो लगता है कि उनको मजबूत समझे होंगे, मांझी जी को कमजोर समझ रहे हैं या सहनी जी को कमजोर समझ रहे हैं। तो हमको और मांझी जी को मान लीजिए कि गठबंधन से बाहर निकाल दिए, नहीं दिए तो नहीं, तो हम भी सरकार के साथ हैं। ठीक है, तो वो उनको जो वो निर्णय तो उन्हीं को लेना है और वो जो निर्णय लेंगे अभिभावक उनका हम निर्णय का स्वागत करते हैं, वो जो निर्णय ले रहे हैं, लेकिन हम तो अपना निर्णय लेंगे ना। हम तो अपना निर्णय लिए हैं कि बतासा एक ही चाहिए तो चाहिए, इसके लिए मंदिर टूटे घर टूटे मुझे उसका परवाह नहीं है। मैं लड़ूंगा, मेरा जो अधिकार है, अगर एक सुई बराबर भी, अगर नोक बराबर भी मेरा अधिकार बनता है तो मैं उसके लिए हमेशा जंग करने के लिए तैयार रहूंगा। मोचहां सीट से पार्टी के कोई और उम्मीदवार हो सकते हैं कि आप खुद भी लड़ सकते हैं? नहीं नहीं, सुरक्षित सीट है, हम कैसे लड़ लेंगे। वहां पे हमारे प्रत्याशी रहेंगे और हमारे स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी पार्टी के साथ मजबूती से रहे हैं और उनका स्वर्गवास हो गया है, तो हमारा पूरा उनके परिवार के साथ आस्था विश्वास जुटा हुआ है और आने वाले समय में कैंडिडेट का घोषणा होगा और मुसाफिर पासवान का परिवार के ही लोग लड़ेंगे चुनाव। इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर बीजेपी परिवार से अपना उम्मीदवार उतारती है तो क्या समर्थन वापस लेंगे या साथ में रहेंगे? सर, आप वहां पे मजबूती से वहां पे उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ेंगे। नाम क्या होगा वो समय पे हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसका नाम का घोषणा करें और समय आने पे आचार संहिता लगने पे वहां पे घोषणा होगा। वहां पे मजबूती से वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेगा, जिनको सहयोग देना होगा देंगे, नहीं सहयोग देना होगा तो लड़ेंगे, लेकिन वीआईपी पार्टी हर हाल में वहां चुनाव लड़ेगा और मजबूती से वहां चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद। अबे गरीब का बेटा है, मछुआरा का बेटा है, तो अभी खंजारे भोग रहा है, उनका बस चलेगा तो हत्या भी कर देगा और मुझे उसका भी परवाह नहीं है। हम लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, लड़ेंगे। उनका सांसद ने कहा ना कि मिट्टी में मिला देंगे, तो हमने तो कहा कि मुझे ये कबूल है, आप समाज के लिए मैं लड़ाई लड़ने वाला हूं, आप हमको मिट्टी में मिला दीजिए, मुझे कबूल है, लेकिन आपका योगी या मोदी जय नहीं बोलेंगे। जय तब बोलेंगे जिस रोज आप आरक्षण लागू कर दीजिएगा, और आरक्षण लागू नहीं होगा तो समय पड़ेगा तो मुर्दाबाद कहेंगे, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या कोई राज्य का मुख्यमंत्री हो, अगर हमारा काम नहीं करेगा तो हमारा समाज और हम उनको मुर्दाबाद बोलने के लिए भी स्वतंत्र हैं। धन्यवाद।